गुड इवनिंग सत श्री अकाल केम छो कम्मा गणी जय श्री राम। मैं गजेंद्र खत्री आज फिर से आप सभी के समक्ष श्री राम क्लासेस बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को जैसा कि मालूम है हम आप सभी के लिए वीकली टेस्ट सीरीज में वीकली क्विज सीरीज में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए एक सीरीज, एक सब्जेक्ट की सीरीज,
एक सब्जेक्ट की प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नोत्तरी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सभी हम आप सभी के समक्ष इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। आइए आज हम फिर से इसी विज्ञान की सीरीज के अंदर वही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखते हैं। इसी के साथ फटाफट जुड़ते जाइए। यस वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट जुड़ते जाइए। यस हाँ, जल्दी जल्दी बेटा जुड़ जाइए। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास जो है लाइव शुरू हो चुकी है, इसको आप जल्दी से जल्दी बेटा शेयर कर दीजिए। यस वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस हाँ बेटा, क्लास प्रारंभ हो चुकी है और बहुत ही जल्दी आप सभी के समक्ष पहले नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप सभी के समक्ष स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। जल्दी से जल्दी इस क्लास को आप शेयर कर दें, जितने भी बच्चे जुड़े हैं इस क्लास को शेयर कर दें, और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बेटा इस क्लास को शेयर कर दें ताकि वो बच्चे भी जुड़ जाएं। यस, आज का प्रथम जो क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। यस, आज का पहला प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट। ये वॉट डब्ल्यू ए डबल टी है, वॉट एम्पियर, ये सोम कुछ भी नहीं है, सोम गलत लिखा है, ओम है, और एक होता है वोल्ट। बताओ क्या है ये, विभवांतर की यूनिट होती है, विभवांतर वोल्ट में होता है, ये शक्ति की होती है, विद्युत शक्ति की, ठीक है, और ये किसकी होती है, धारा की, और ओम किसकी होती है, प्रतिरोध की। देख लो आप सभी क्या क्या मैंने लिख दिया है, उत्तर तो अब आप इजीली पहचान ही लोगे। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे उत्तर आए हैं सभी के, बहुत बढ़िया। यस क्या उत्तर हो जाएगा। यस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस बच्चों आप सभी देख सकते हैं हमने पहले ही उत्तर लिख दिया, उत्तर नंबर फर्स्ट आप सभी के समक्ष इसका उत्तर है। यस अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। देखो भाई, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का प्रवाह ओम वोल्ट महो। बेटा ओम का रिवर्स होता है महो और एम्पियर, बताओ इनमें से क्या है। बेटा ओम जो यूनिट होती है ना ओम, वो होती है प्रतिरोध की, किसकी, प्रतिरोध की, और महो जो यूनिट होती है वो होती है विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की, जिसे अपन रो से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये महो उसकी यूनिट होती है। यस बताओ बेटा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इसका उत्तर। बेटा आप सभी को मालूम है आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, आवेश के प्रवाह की दर। अरे बेटा आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, तो बेटा ये विद्युत धारा ही होती है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एम्पियर। जिस भी बच्चे ने उत्तर दिया है यस
वेरी गुड, जिन्होंने भी उत्तर नंबर चार दिया है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, अच्छे उत्तर, सभी के अच्छे उत्तर आ रहे हैं। यस, चार चार, डी 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 डी, यस यस, बहुत बढ़िया बेटा, जिन्होंने भी सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, ये तो बता दो, बहुत आसान है। विद्युत प्रतिरोध R बराबर V बाय I होता है ना, फॉर्मूला R बराबर क्या होता है, V बाय I, इसे बोलेंगे वोल्ट, विभवांतर वोल्ट में होता है, धारा एम्पियर में होती है, तो वोल्ट पर एम्पियर, पर SI मात्रक की बात करते हैं तो कितना आता है, ओम बेटा, ओम ढूंढ लो, ओम, ओम उत्तर हो जाएगा इसका। जिस भी बच्चे ने ओम उत्तर दिया है एकदम सही है, यस यस बेटा, बहुत बढ़िया। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम बेटा, जिन्होंने भी दिया है बहुत बढ़िया, ओम उत्तर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। इस एक प्रश्न में आप सभी से पूछता हूं बेटा, ये लो आ गया, यही पूछने वाला था वैसे, आ गया प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बनाया हुआ है, इसे चुंबकीय फ्लक्स को बेटा फाई से डिनोट किया जाता है, किसे, फाई से, इसका एसआई मात्रक बहुत बार पेपर में पूछा गया, काफी बार आया हुआ है एसआई मात्रक, टेस्ला, वेबर, गाउस या एम्पियर, टेस्ला, वेबर, गाउस या एम्पियर, इसका एसआई मात्रक पूछा गया, देखते कितने बच्चे बताते हैं। उत्तर नंबर चार बताओ, प्रश्न नंबर चार का बताओ बेटा, यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों ने वेबर उत्तर दिया है, वेरी गुड, बी 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 दो, यस बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों ने वेबर उत्तर दिया है वो एकदम सही और सटीक उत्तर है बेटा, वेबर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, एसी परिपथ, अरे एसी सर्किट, एसी परिपथ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बताओ किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, और चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है, इन चारों में से किसके लिए लागू नहीं होता है, बताओ बेटा, ये प्रश्न एलडीसी में भी आया हुआ और एक हेडमास्टर के एग्जाम में भी आया हुआ है, हेडमास्टर के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न ही, हेडमास्टर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2018 वाले, हेडमास्टर के एग्जाम में आया भाई 2018 वाले, बताओ बेटा, यस देखते हैं कौन बताता है, यस हाँ भाई 2018, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस इस बेटा, जिन्होंने भी उत्तर नंबर चार दिया है, उत्तर नंबर चार इसका सही उत्तर है कि चालकों के लिए क्या होता है, ओम का नियम लागू नहीं होता है जब तापमान में परिवर्तन होता रहता है,
बेटा जब तापमान में परिवर्तन होता रहता है तब ओम का नियम लागू नहीं होता है चालकों के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, छठा नंबर, ये देखो, वॉट को प्रकट कर सकते हैं, वॉट यूनिट विद्युत शक्ति की, बताओ किसमें, वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकंड में, किलोग्राम मीटर में। पहले तो ये देखो, पावर बराबर क्या होता है, पी बराबर वी आई बोलते हैं क्या, पावर को क्या बोलते हैं, पी बराबर वी आई होता है, होता है। अब एक बात तो, वॉट पावर की यूनिट होती है, तो वॉट को किसके अंदर प्रकट कर सकते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। थोड़ा सा हिंट मैं दे चुका हूं, बेटा एनर्जी की अगर बात करते हैं, कोई भी आपके ऊर्जा की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति इनटू में समय, इसे अपन बोलते हैं विद्युत शक्ति, आपकी ये हो गई पावर, यानी अपन क्या बोल दे, पावर ही बोल दे, इनटू टाइम, यानी ऊर्जा बराबर पी इनटू टी। बेटा पावर की वैल्यू पूछी है इसमें, पावर की वैल्यू निकाल लो। एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर देता हूं, एक बार एनर्जी को ई से कर देता हूं, तो बेटा एनर्जी की यूनिट होती है जूल, पावर की होती है वाट, इसकी होती है सेकंड। वाट को अलग कर दो, वाट को अलग कर दो, यानी पावर को अलग कर दो, क्या बच गया, जूल प्रति सेकेंड। बताओ उत्तर आ गया क्या, उत्तर आ गया सभी का, जूल प्रति सेकेंड। तो बेटा वॉट को प्रदर्शित कर सकते हैं जूल प्रति सेकेंड में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे, यस, चले अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, सभी ने जो उत्तर दिया 3 नंबर उत्तर एकदम सही है। इसको देखो, 100 वॉट बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा। स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है बेटा, और वैसे देखो तो ये बेस भी है, बेसिक भी है, ज्यादा ऐसे हार्ड भी नहीं है प्रश्न। ये बताओ बेटा, यूनिट बतानी, यूनिट किसके अंदर होती है। चलो मैं आपको एक वो दे देता हूं, यस, यूनिट निकालनी है। सौ वॉट का बिजली बल्ब है और 10 घंटे चलता है, तो ये एक दिन की यूनिट पूछ रहा है कुल मिला के आपसे, कितने की, एक दिन की। बेटा यूनिट का फॉर्मूला लगाओ, वॉट इंटू क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है ना, आवर मतलब घंटा, इंटू दिन, कितने दिन की बात हो रही है, वो बट्टे में बताओ 100 होगा कि 1000 होगा, कितने बच्चे 100 कह रहे, कितने 1000 कह रहे। बेटा किलो वॉट आवर की बात हो रही है तो डेफिनेटली 1000 होगा, करो सॉल्व। वॉट कितना, 100 वॉट का लट्टू, 100 वॉट का बल्ब, 10 घंटे, एक दिन, 1000 नीचे लगाओ। अब बेटा उत्तर बताओ कितना आ रहा है, 1000 बट्टे 1000, काटो एकदम सही है क्या।
देखते हैं कितने रुपए बता रहे हैं। बेटा पहले ये देखो कि कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, अगर जितने यूनिट बिजली खर्च देख लिया ना तो आप उसको कैलकुलेट कर देना मनी से। ये कह रहा है कि 5 रुपए प्रति यूनिट, यानी एक यूनिट का मान किसके बराबर है, 5 रुपए के। तो देखो ये कितने यूनिट बिजली प्राप्त कर रहा है, तो बेटा ये एक यूनिट बिजली खर्च करता है घंटे, एक दिन में कितनी करी, एक यूनिट। 10 घंटे में, एक दिन के 10 घंटे में 100 वॉट के बल्ब ने कितनी बिजली उठाई, एक 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो कितनी बिजली उठाएगा, और एक यूनिट बिजली उठाएगा। ये एक यूनिट बिजली की अपन गुणा करा देंगे रुपयों से, एक यूनिट 5 रुपए, तो कितने रुपए की बिजली उठी, 5 रुपए की बिजली। के यूनिट हम मालूम है किलो वॉट आवर में लेते हैं, किलो वॉट आवर में लेते हैं, ये हमारी बिजली की क्या होती है, यूनिट होती है, घरेलू बिजली की इकाई जिसे बोलते हैं किलो वॉट आवर, क्योंकि यहां खाली वॉट था बट्टे में हजार कर दिया, किलो से वॉट, किलो वॉट से वॉट में जाओ बट्टे में हजार कर दो, ये आ जाएगा आपके यहां पर। बहुत बढ़िया, जिसने भी उत्तर दिया है 5 रुपए एकदम सही है बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। यस आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न 8वां, सेम वही वैसा ही है, यदि 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा में कितनी खपत होगी, सेम वैसे ही, ये तो एकदम एज इट इज वैसे का वैसा आ गया। 100 वॉट के बल्ब में 100 वॉट 10 घंटे, तो बिजली की खपत ये बता दो, बहुत आसान है बेटा एकदम, 100 वॉट 10 घंटे और बिजली की खपत बतानी है। बिजली खपत किस में होगी बेटा, आप देख लो कितनी यूनिट खर्च हो रही है, कितनी यूनिट खर्च हो रही है आप देख लो, वॉट 100 तो वॉट है, 10 घंटे एक दिन बट्टे हजार, कितनी यूनिट खर्च हो गई, एक यूनिट, और एक यूनिट की इकाई किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के। उत्तर नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। अगला करें, अगला करते हैं, यस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न देखो, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए, क्या चीज है, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। अब देखते हैं ये कौन करके बताएगा, यस बेटा जिन भी बच्चों ने उत्तर दिया है बहुत बढ़िया, अच्छे उत्तर आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, यस बहुत ही बढ़िया बेटा। कितना होगा, 12 9 6 3 कितना, वही सेम 60 × 30 × 5 बट्टे में हजार करना है इनका, कर लो कितना, 6 5 30 300, 6 5 30 ये कितने हुए, 300
तीन तीन नौ, तो बेटा ये कितने हो गए 9000, तो यही आ गए, तीनों का गुणा कर दिया, बट्टे में 1000 करना है, उत्तर आ गया, कितना आ गया 9 बेटा, उत्तर आ गया। जिनका भी उत्तर 9 है एकदम सही है बेटा, जिनका भी उत्तर 9 है एकदम सही है। बड़े आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, पर घरों में काम है, उसको नहीं लेते महंगा होने के कारण, कौन विद्युत का इनमें से सबसे अच्छा सुचालक है, एल्यूमिनियम, कॉपर होता है बेटा तांबा, सिल्वर होता है चांदी, और गोल्ड किसी से छानना नहीं है, इसे बोलते हैं सोना। बताओ बेटा इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है, देखते हैं कौन बता पाता है। इसका उत्तर तो तुरंत सही आ जाना चाहिए, इसका उत्तर जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, कौन अच्छा सुचालक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर, क्या हो जाएगा सिल्वर, और चांदी अगर नहीं है तो चांदी की जगह क्या उपयोग में आता है, चांदी की अगर नहीं है क्योंकि चांदी महंगी होती है इसलिए उपयोग नहीं ले सकते, तो इसकी चांदी की जगह पर अपन क्या लेते हैं, तांबे का उपयोग लेते हैं, तांबा, किसका उपयोग लेते हैं, तांबा, बहुत बढ़िया, अच्छे उत्तर। नेक्स्ट देखो 11, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, माइक्रोवेव ओवन में इनमें से किस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है, बताओ माइक्रोवेव ओवन में इनमें से किस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है, यस, देखते हैं कौन बताता है 11वें प्रश्न की ओर है, तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा यस, बड़े इसका उत्तर ये है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, उत्तर नंबर 3 इसका उत्तर है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। अगला प्रश्न देखो 12वां, देखो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु, बेटा विद्युत बल्ब पे क्या हुआ करता था, वो पहले शो अपने लैंप आता था उसमें क्या होता था, तो उसके अंदर होता था टंगस्टन, इसे W से डिनोट करते हैं, तंतु का ताप सामान्य होता है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य होता है, तो ये विद्युत बल्ब सोडियम लैंप टंगस्टन की बात कर रहे हैं, कितना ताप सामान्य होता है, उसके तंतु का ताप कितना होता है, 100 से 500, 1000 से 1500, 2000 से 2500 या 3000 से 3500, कितना होता है, तो बेटा ये होता है 2000 से 2500, उत्तर नंबर 3 2000 से 2500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न ये बताओ, परम शून्य ताप में, परम शून्य तापमान यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चाहे बोल दो 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, कितना, अनंत, अल्प, उच्च या शून्य, कितना हो जाता है विद्युत प्रतिरोध, अनंत, अल्प, उच्च या शून्य, कितना हो जाता है बेटा, अनंत, अल्प, उच्च या शून्य, बेटा ये हो जाता है अनंत, कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी अनंत उत्तर दिया है, यस, एक एक ए ए ए जिनका उत्तर आ रहा है, एक एक एकदम सही है बेटा, अनंत एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, अर्ध चालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान पर होती है,
अर्धचालक सेमीकंडक्टर की चालकता बतानी है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की चालकता शून्य डिग्री केल्विन तापमान पर कितनी होती है? 105 ओम माइनस 10 से 5 के मध्य ओम माइनस या जीरो, बताओ कितनी होती है? आरएस में आया प्रश्न है बेटा, आरएस में कितनी होती है बेटा? यस, जिस भी बच्चे ने बेटा ये जीरो उत्तर दिए हैं बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी डी एच फोर उत्तर दिया है उनका एकदम सही है, जीरो होती है, शून्य होती है बेटा, ये कितनी होती है? शून्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये बताओ डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन या वायु पुनर्निर्जलीकरण, बताओ किस पर आधारित है? देखते हैं कौन बता पाता है। ये बताओ किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर बेटा, इसके सीधा उत्तर हो जाएगा वाष्पन शीतलन। एक छोटी सी बात बताता हूं, घर के अंदर जब अपन कूलर लगाते हैं तो कूलर को जब अपन हमेशा लगाते हैं बाहर की साइड में लगाते हैं, उसके जो किनारे होते हैं खाली फैन अपने कमरे की ओर होता है, बाकी तीनों किनारे जो होते हैं बाहर की ओर होते हैं, और कूलर के किनारों को खुलों के खुले एरिया में अपन रखते हैं ताकि वहां पर क्या हो, उमस नहीं हो, यानी ह्यूमिडिटी नहीं हो। और यदि अपन पूरे कूलर को कमरे में लगाते हैं तो थोड़ी देर में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होने लग जाती है। क्यों? बाहर की वायु को जब वो पानी अंदर का क्या करता है, खींचता है, तो वायु को वाष्पित करता है, वो वाष्पन से क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। जबकि यदि कूलर के उसको क्या लगा दे अपन, बाहर की साइड लगा दे, तो वो क्या करती है, जो वायु क्या करती है, एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस होते हुए उसको ह्यूमिडिटी को भी साथ साथ में समाप्त करती रहती है, जिससे कि कमरे के अंदर क्या होती है, ठंडक होती है। इसीलिए कूलर को क्या करते हैं, बाहर की साइड लगाना ज्यादा प्रिफर करते हैं। यदि कूलर कमरे में लगा लिया पूरा का पूरा तो क्या होता है, वहां पर उसकी बची हुई तीनों साइड उस कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी या उमस कर देगी, इसलिए वाष्पन शीतलन पर आधारित है। नेक्स्ट देखो, भारत में एसी, एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, तो एसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, एसी विद्युत मुख्य धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? 50 साइकिल प्रति सेकंड, 60 साइकिल प्रति सेकंड, 30 साइकिल प्रति सेकंड या 100 साइकिल प्रति सेकंड, ये बताओ बेटा मुख्य धारा की आवृत्ति कितनी होती है? यस, बहुत बढ़िया बेटा, जिनका भी उत्तर आ रहा है, यस ए, जिनका भी उत्तर आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनका भी उत्तर ए या ए का आ रहा है बेटा एकदम सही है, 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखो, आज का अगला 117वां प्रश्न, फ्यूज तार बना होता है इंपॉर्टेंट प्लेटिनम व तांबे की मिश्रित धातु का, अल्यूमिनियम का, तांबे का या टिन व शीशे की मिश्रित धातु का, टिन व शीशे की मिश्रित धातु का किसका बना होता है बताओ? प्लेटिनम तांबे मिश्रित धातु का, एल्यूमिनियम का, तांबे का
या टिन व शीशे की मिश्रित धातु का, ये बताओ। यस, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है ये, बहुत आसान है। बहुत आसान प्रश्न है बेटा ये। तो बेटा किसका होता है, टिन व शीशे की मिश्रित धातु का, टिन व शीशे की मिश्रित धातु का बना होता है कौन, फ्यूज तार। चले आगे, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी डी डी डी, जिन्होंने भी उत्तर दिया है, यस डी 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 उत्तर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया। डी जिन्होंने भी उत्तर दिया है, चार नंबर एकदम सही और सटीक उत्तर है बेटा। नेक्स्ट देखो, 18वां, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है, यानी फ्यूज तार इनमें से किसके आधार पर कार्य करता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का उष्मीय प्रभाव और विद्युत का चुंबकीय प्रेरण। तो बेटा चौथा तो नहीं होगा, विद्युत का चुंबकीय प्रेरण तो भूल जाओ, बाकी तीन में देख लो। ऐसी क्या चीज तेज होने पर फ्यूज तार जल जाता है, इन तीनों में से देख लो, आपको उत्तर आ जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर है, फटाफट ये सीरीज कंप्लीशन की ओर है। यस, जल्दी से जल्दी बेटा, सीरीज अब कंप्लीशन की ओर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तर तो भाई अच्छे आ रहे एकदम, A1, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तीसरा नंबर उत्तर, यानी अब आपको समझ आ चुका है, हीट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसमें प्रभाव पर ही डिपेंड करेगा। गर्म तेज गर्म होने पे चल जाता है कई बार फ्यूज, मालूम है, तेज गर्म होने पर चल जाता है। इसलिए फ्यूज का जो बाहरी आवरण होता है वो आपके चीनी मिट्टी का बना होता है, फ्यूज का बाहरी आवरण। पहले वो फ्यूज लगते थे, आजकल तो वैसे भी MCB आ गया जिसके अंदर बेकेलाइट प्लास्टिक यूज होता है। आपके प्लास्टिक आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आते हैं ना, तो MCB मिनी सर्किट बोर्ड, मिनी सर्किट बोर्ड की बात करते हैं, क्लियर, मिनी सर्किट बोर्ड। ट्रिप हो जाती है तुरंत ही तेज वायर तेज आने पे, और फ्यूज वायर भी कभी कभी चल जाता है। नेक्स्ट देखो, यानी उसमें की बात हो रही वहां पर। नेक्स्ट, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है बेटा, प्रतिरोधकता बताई थी, आर, बताओ क्या होता है, उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, उसकी आकृति पर और पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से किस पर निर्भर करती है बताओ। एक फॉर्मूला करवाया था आपको, मैं बताता हूं, आर बराबर रो रोले करवाया था ना, आर बराबर रो एल बाय ए, जिन भी क्लासों में ये चीज हो चुकी है उनको अच्छे से मालूम है, आर बराबर रो एल बाय ए, इसको बोलते हैं आर बराबर रोले। अब आप देख लो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेटा प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं तो किस पर, देखो तो बेटा ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो दिया गया है ये चीज समझने लगे कि पदार्थ की प्रकृति पर, बाकी सब कुछ सही है, लंबाई भी सही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सही है, पर ये कह रहे विद्युत प्रतिरोधकता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी, तो आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी,
इसलिए कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के दिया गया ऐसा प्रश्न पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु है। विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है? निकेल, जिंक, नरम लोहा, कांसा। निकेल, जिंक, नरम लोहा और कांसा, ये बताओ। निकेल, जिंक, नरम लोहा या कांसा? निकेल, जिंक, नरम लोहा या कांसा? तो बेटा क्या हो जाएगा? ये अच्छा उत्तर सभी का, जिन्होंने भी उत्तर नंबर 3 दिया है, नरम लोहा बेटा हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी की जो आज की सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होती है, और आशा करता हूं कि आप सभी ने इसी तरह इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप इस चैनल के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज दशहरे का पावन पर्व त्योहार है, दशहरे का क्या पावन पर्व है, और इसी दशहरे के पावन पर्व की विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान अब आप सभी के अंदर, श्री राम जी जो है विजयादशमी के बाद दिवाली को दीपक जलाए गए थे उनके पधारने पर, और इसी के साथ मैं आशा करता हूं आप सभी के परिवार के अंदर क्या हो कि खुशियां लेकर आए। हर जो पावन पर्व है जो क्या होता है आपके एक जीत, जो यहाँ पर विजयदशमी के अंदर जो एक विजय हुई है उस जीत के आधार पर, उस जीत की खुशियों के अंदर अगर बात करते हैं आप सभी के घर की, तो उस जीत के खुशियों के अंदर जो दीपक जलाए जाएंगे तो दीपक की रोशनी आप सभी के घर को जगमगाए रखे। इसी के साथ मैं आज के इस विजयदशमी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि, गुड बाय बाय।